हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सेवन क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। आपको दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक 3/8 है, एक क्या है 1:3/8। ये फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले 3/8 को एलसीएम लिख लेंगे, प्लस इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 × 1 = 8 + 3 = 11/8। क्लियर बात है? अगर दोनों को क्या करना है, एलसीएम 8 सेम है डिनोमिनेटर का, एलसीएम में क्या आ जाएगा 8, 3 + 11 = 14/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, इनको भी क्या करना है, सिंपल इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 × 1 + 2 = 7/5। क्लियर है? नेक्स्ट प्लस 15 × 1 + 3 = 18/15। ठीक है बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/10। ठीक है, तीनों फ्रैक्शन लिख लिए, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम निकालो यहाँ पर, 5, 15, 10। 5 से करेंगे 1, 3, 2, 2, 3, 6, 5, 30 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ गया 30। क्लियर है? अगर 5, 6 = 30, 6 × 7 के साथ, 6, 7 = 42 प्लस 15 × 30, 2 × क्या करेंगे 18 × 36 प्लस 10 × 3 = 33 यहाँ पर 3, 7 = 21। तीनों को प्लस करेंगे 2, 6, 8 + 1 = 9, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9/30। आंसर आ गया ये। क्लियर है बात? दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का पार्ट देखने पहले, सबसे पहले इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10 × 3 = 30, 30 + 3 = 33/10। ठीक है, माइनस 5/6, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 × 6 = 60, 60 निकाल कर देख लो एक बार, 10 × 6 = 2, 5 × 10 = 2, 3 = 6, 5, 3 = 30, एलसीएम 30। क्लियर है? 10 × 3 = 30 × 3 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है बात? 99, 6, 5 = 30, 5 × 5 = 25। माइनस कर देंगे 9, क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, 4, 9 × 7 / 30 इज योर आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 48, 24 × 2 = 48, 13 × 2 = 13, 2 = 26, माइनस 42 × 48, 48 सेम है, 5 क्या आ जाएगा एलसीएम, आंसर क्या आएगा 21/42, 26 − 5 = 21/48। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तीनों फ्रैक्शन किस में रखे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 5, 4, 20, 20 + 3, 23/4। क्लियर है बात? माइनस साइन, 2, 6, 12, 12 + 5, 17/6। क्लियर बात? 8, 1, 8 + 7, 15, 15/8। एलसीएम निकाल लेंगे, ध्यान निकाल लेंगे, 4, 6, 8, उसे करेंगे 2, 2, 4, 3, 4, उसे करेंगे 1, 3, 2, 3 से करेंगे 3, 1, 1, 2, फिर 2 से एलसीएम पे कहा जाएगा 2, 3, 6, 6 × 12 = 24। क्लियर बात? एलसीएम 24 हो गया, 4, 6 = 24, 6 × 6 = 24 यहाँ पर हो गई, कितना आ जाएगा आंसर 138। क्लियर है? माइनस 6, 4 = 24, 17 × 4 से होगी, कितना आ जाएगा 68, 8 × 4 = 24, 15 × 3 = 45। अब क्या करना है, सबसे पहले इसकी माइनस कर लें, फिर इसके बाद इसकी प्लस कर लेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 88, 0, 13 − 6 = 7 + 45 मिल गया है, सौ सिर्फ प्लस किया ऊपर, अपॉन 24 एलसीएम चलेगा ये तो,
प्लस कर लें इनको, 5 7 प्लस 1 7 प्लस 4 11 अपॉन 24 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आगे, इसमें क्या बोला है, व्हाट ईच नंबर शुड बी एडेड टू 16:7/11 टू मेक इट एन इंटीजर। मतलब आपको एक नंबर दिया हुआ है 16:7/11, इसको क्या बनाना है, कंप्लीट इंटीजर बनाना, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म चेंज करनी सिंपल इंटीजर की फॉर्म में। इसको पहले सॉल्व कर लें, यहां लिख लेंगे क्या, नंबर इज दिस, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 176+7/11। क्लियर है, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 183/11। सिंपली पहले इसको क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है, 183 11 11 11 73 11 6 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, 7, और 7 को किससे माइनस कर लेना है, 11 माइनस 7, जो हमारा 4 आएगा, ये ही क्या होगा, नंबर ऐड होके इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब अगर हम 4 ऐड करते हैं, 183 में 4 ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, 187, जो कि क्या है, कंप्लीट डिवाइड है 11 से। ठीक है बात, तो 183 है हमारे पास प्लस अपॉन 11 है, इसमें क्या प्लस करें, एक्स करें कि ये क्या बन जाए, कंप्लीट इंटीजर बनना चाहिए, मतलब डिवाइड करके कुछ भी इसका पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या निकाला था, 4, अब 4 अगर हम ऐड करेंगे इसमें, 183 अपॉन 11, 4 सिंपली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 4 अपॉन 11, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, अगर एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 11 183 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 187/11, जो भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 17 times। ठीक है बात आई समझ में, तो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4/11 इज आवर आंसर। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आगे, इसमें क्या बोला है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम माय नंबर यू गेट 2/5, लेट कर लेंगे पहले, लेट द नंबर इज x, x लेट कर लिया, और उसमें क्या हो रहा है, x से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं 1/4, तो x माइनस 1/4। क्लियर है, अगर उसको बोलता, अगर ऐड कराता हूं, इफ यू ऐड 1/4 तो क्या करते हैं यहां पर, प्लस कर लेते। ठीक है बात, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, यू गेट 2/5, तो 2/5 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा। ठीक है बात, x की अगर वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2/5, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 लेंगे घुमा के, पूरा 1/4 माइनस का इधर जाके प्लस का, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4 20 एलसीएम, 5/4 20 4 × 2 8 प्लस 4 5 20 5 × 1 5 8 + 5 13/20, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू 13/20 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ, क्या नंबर ऐड कराएं दोनों के डिफरेंस के, सबसे पहले इनका डिफरेंस करना पड़ेगा हमें, दोनों नंबर ले लेंगे 1:1/2 और डिफरेंस करेंगे तो नेगेटिव मतलब प्लस माइनस सॉरी 2/6, इसको सॉल्व कर लें पहले, 2 × 1 + 3 3/2, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 1/3, एलसीएम लेंगे 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 9 − 2 = 7/6, ये आ गया हमारा डिफरेंस। और क्या बोला है उसने, एक नंबर इस डिफरेंस में ऐड करना है और हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, तो लिखेंगे लेट द नंबर इज x। ठीक है बात, अब x में क्या ऐड करना है, ऐड करने के लिए बोला है उसने क्या ऐड करें, इसके डिफरेंस में तो दोनों का डिफरेंस कर लिया, 7/6 में क्या ऐड करेंगे, यू विल गेट 1:2/3, 1:2/3, तो x प्लस 7/6, पहले से सॉल्व कर लें, 3 × 1 3 + 2 5,
अपॉन 3 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें 5 अपॉन 3 है इसलिए j प्लस का 7 अपॉन 6 था माइनस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 7 अपॉन 6 x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम निकालें 6 आ जाएगा एलसीएम 3 2 का 6 2 5 10 5 2 का 10 माइनस 6 6 ऐड करके एलसीएम दें 10 माइनस 7 3 3 अपॉन 6 इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 3 1 का 3 3 2 का 6 which is your answer क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आगे इसमें क्या है जैस्मिन नाम की लड़की है वो क्या कर रही है अपने फर्स्ट वीक में अपना कुछ होमवर्क किया कंप्लीट कर रही है फिर सेकंड में कंप्लीट कर रही है उसने पूछा है जो थर्ड वीक के लिए उसके जो होमवर्क बच गया है शेष रह गया वो निकाल रहा है तो स्टेटमेंट बनाएंगे जैस्मिन फिनिशेस वर्क इन फर्स्ट वीक 2 अपॉन 7 जो कि गिवन है सेकंड वीक में क्या है 3 अपॉन 5 उसने पूछा है बाकी रेस्ट ऑफ कितना होमवर्क उसका बस रह जाता है तो कैसे निकालते हैं कुछ भी जो टोटल वर्क डन होता है टोटल वर्क हो या टोटल जो कुछ भी होता है हमें रेशियो में उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर तो 1 ले लेंगे हम 1 से क्या माइनस करना है दोनों का सम जो उसने काम टोटल कर लिया है मतलब टोटल वर्क उसका जो कंप्लीट हो चुका है 2 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 5 ठीक है 1 माइनस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 35 35 यहाँ कितना आ जाएगा सिंपल 35 आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 31 बात आ समझ में नेक्स्ट देखेंगे 35 माइनस 31 करेंगे कितना हो जाएगा 4 अपॉन 35 व्हिच इज आवर आंसर सिंपली पहले दोनों क्या करना है प्लस करना है फिर वन से माइनस कर देंगे यू विल गेट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या बोला है शिखा एट द एप्पल्स वो 3 अपॉन 5 पार्ट एक एप्पल का 3 अपॉन 5 पार्ट खा रही है ठीक है जो जब बच जाता है एप्पल का पार्ट वो कौन खा रहा है सुमित खा रहा है उसका जो ब्रदर है तो लिखेंगे जो शिखा एट द एप्पल्स 3 अपॉन 5 ठीक है सुमित एट द एप्पल इसको कैसे निकालेंगे मैंने बताया था कंप्लीट जो होता है फ्रैक्शन कितने के बराबर होता है 1 के बराबर अब 1 में से अगर हम 3 अपॉन 5 माइनस कर देंगे तो जो सुमित खाएगा वो निकल आएगा ठीक है बात तो इसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा 5 माइनस 3 ठीक है बात 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 अब सिखा कितना खा रही है सिखा कितना खा रही है 3 अपॉन 5 और सुमित 8 एप्पल 2 अपॉन 5 इसमें पूछा है Whose share is greater? इसमें से greater कौन सा है? 3 upon 5 में से और 2 upon 5 में से greater कौन सा है? Same denominator जो कि greater है 3. 3 upon 5 greater हो जाएगा. तो शिखा लिखने के नीचे शिखा have larger share. Clear है बात? कितना? 2 upon 5. ठीक है? 2 upon 5 किसका है? सुमित का. सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसका लार्जर शेयर है उसका नाम बताओ और जो सुमित का शेयर है उसका बताओ 2 अपॉन 5 क्या हो जाएगा सुमित का शेयर हो जाएगा और ये शिखा लार्जर शेयर खा रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या बोला है आपको एक डायग्राम दे रखा है इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर की तरफ AB नीचे क्या बना हुआ है रेक्टेंगल बना हुआ है इसने क्या पूछा है फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई तो ए बी का जो ट्राइंगल होगा पेरिमीटर होगा सॉरी पेरिमीटर ऑफ लिखेंगे पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई क्या होता है पेरिमीटर क्या होता है सिंपल बाउंड्री से होती है उसकी कैलकुलेशन होती है उसका सम होता है तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए बात आई यहाँ समझ में ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए ए बी मतलब ये वाली साइड फिर ये वाली साइड क्लियर है इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस
बी की वैल्यू 2 raised to 3/4 प्लस ए की वैल्यू 3 raised to 3/5। क्लियर है बात? सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सम करना है, 5/2 क्या हो जाएगा एज इट इज हो जाएगा, प्लस इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 4 2 8, 8 + 3 11 अपॉन 4 प्लस 5 × 3 15, 15 + 3 18 / 5। अगर क्या एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 4 5। एलसीएम निकाल लो यहाँ, 2 1 2 2 2 4 5 5 2 10 2 20। एलसीएम कितना हो जाएगा 20। क्लियर है बात? 2 10 20 10 × 5 50 हो जाएगा, प्लस 4 5 20 5 × 11 11 5 55 प्लस 5 4 20 18 × 4 72। ठीक है बात यहाँ तक, आगे देखेंगे समकक्ष दोनों का, 5 2 7 कितना हो जाएगा 177/20 cm। इसको अगर आप चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली डिवाइड कर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, पैरामीटर ऑफ बी सी डी ई। ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। हाँ देखो, इसमें दो लेंथ है और दो ही ब्रेड्थ है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B ब्रेड्थ। क्या हो जाएगा 2L³ हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी 2 raised to 3/4, ये वाली लेंथ ही तो है 2 raised to 3/4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 7/6। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए हमने, कितना हो जाएगा 2L³ 4 2 8 8 + 3 11/4 प्लस 7/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनके एलसीएम निकालेंगे, 4 6 का एलसीएम हम निकाल लें, 2 2 4 2 3 6 3 2 6 + 6 2 12 एलसीएम कितना आ गया 12। क्लियर बात यहां तक, आगे देखेंगे 4 3 12 11 की मल्टीप्लाई 3 से 11 3 13 प्लस 6 2 12 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे करेंगे 2 × दोनों को प्लस कर लें, कितना हो जाएगा 47/12। ठीक है बात यहाँ तक, 2 1 2 2 6 12 आंसर कितना आ जाएगा हमारा 47/6 cm। इसको भी कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिवाइड करके कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक रहेगा, बाकी तो क्वेश्चन अगर रह जाता है तो कमेंट से हमें बता देना है, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।